स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। आप सभी का मैं प्रेमी बाबा एंड प्रेमी सर एंड मिनी कोगी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय हमारा सेकंड है अम्ल क्षारक तथा लवण एसिड बेस एंड सोल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर 11 है। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। बहुत भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक, गौर से सुनना सभी, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा साधारण नमक होता है। साधारण नमक से रसायन बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये आपको पता है ये बोर्ड में 101% आता है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले इसमें पढ़ा हमने कास्टिक सोडा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर पढ़ा हमने इसके बारे में विरंजक चूर्ण। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा और फिर हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीओपी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पीओपी। तो ये पांच ऐसे टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, 100% आते हैं। इनमें से कोई ना कोई दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? ये विरंजक चूर्ण और पीओपी, ये समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ये दो टॉपिक तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, ये आप लोग मान के चलिए, ये दो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। और वैसे तो सभी आते हैं, कोई सा भी आ सकता है, पर इनमें से जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी, इनमें से जरूर आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? बेकिंग सोडा के बारे में। तो सभी लोग अपनी सबसे पहले कॉपी पेन उठा के कमरे कोने में बैठ जाए और मुझे सुनो, बस प्यार से बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको बताया ही, तो ये बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, कैसे बनता है सब चीजें, ठीक है। चलो ठीक है, डालेंगे हेडिंग हम लोग बेकिंग सोडा। क्या डालेंगे हम लोग सभी? बेकिंग सोडा। सबसे पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं NaHCl2। क्या है हमारा? NaHCO3 है, CO देख लो सभी लोग, NaHCO3 है हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र, ये है हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र। यानी कि आएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता, ये आपका एक मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको ये लिख लेना है। अब पढ़ेंगे हम लोग निर्माण प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग? निर्माण प्रक्रिया। चलो कि यह कैसे बनता है, यह कैसे बनता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग हर चीज इस तरह से ही पढ़ते आ रहे, पहले रासायनिक सूत्र, फिर निर्माण प्रक्रिया, फिर उसके उपयोग। चलो कैसे बनता है देखो, जब हम लोग नमक में, यहां पर लिख देता हूं, जब हम लोग क्या करते हैं नमक में, ये हमारा क्या है, ये हमारा नमक है, ये हमारा साधारण नमक है। नमक में जल प्लस
नमक में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। गौर से सुनना, ये सब आपको याद करना है। ये हमारा क्या है? नमक, ये लवण, ये क्या है हमारा? जल, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है हमारा? अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। जब ये आपस में क्रिया करते हैं, सुनो, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हमारा NaHCO3, और साथ में ये बनाते हैं NH4Cl। ठीक है, क्या बनाते हैं साथ में? NH4Cl और बनाते हैं NaHCO3। ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये हमारा बेकिंग सोडा जो ये बनता है, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड बनता है। देख सकते हैं, हम लोगों ने ये बेकिंग सोडा तैयार कर लिया, हम लोगों ने बेकिंग सोडा बना लिया है। कैसे बनाया? जब हम लोगों ने नमक को जल में मिलाया, जल में कार्बन डाई मिलाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, और फिर हमने अमोनिया भी मिला दी। जब इन सभी का हमने मिलाया, आपस में क्रिया करवाई, तो हमने क्या बना दिया? बेकिंग सोडा बना दिया है। और बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, बोलेंगे कि खाने के सोडे का नाम बताओ, खाने के सोडे सोडे का रासायनिक सूत्र आता है, खाने का सोडा ही बोलते हैं इसे, खाने का सोडा, जो हम लोग यूज करते हैं ना, खाने में यूज करते हैं, अभी उपयोग जब करवाऊंगा जब बताता हूं, ठीक है। इसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। तो ये देख लो, ये हमने बना दिया है, ये हमने बना दी है बेकिंग सोडा, ये हमने बेकिंग सोडा बना दिया है। इसका एक बार स्क्रीन शॉट लो, इसका एक बार स्क्रीन शॉट लो, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया। चलो अब मैं रफ कर देता हूं, फिर इसके लिखवाता हूं आप लोगों को उपयोग, इसके उपयोग क्या है। चलो, इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग, इन सभी टॉपिकों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इनको बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपयोग के बारे में, उपयोग। पहला उपयोग इसका उपयोग करते हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में पहला उपयोग है इसका, हम लोग इसका उपयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, ये बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, तो हम लोग इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा, और प्लस क्या मिलाते हैं इसमें हम लोग, टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। जब हम लोग बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं, सुनना गौर से सुनना, जब हम लोग बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं, गौर से सुनना, जब हम लोग बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, बच्चों को नहीं पता होता कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, पर मैंने बता दिया, बेकिंग पाउडर सोडा में जब हम लोग टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो क्या होता है, तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग है
जब इसकी अभिक्रिया मतलब करवाई जाती है, जब इसको हम खाने में यूज करते हैं, तो इससे CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 गैस इससे रिलीज होती है। अब इसके कारण ही क्या होता है, जो हमारी पाव रोटी होती है, पाव रोटी होती है, और क्या होता है, पाव रोटी या केक में, केक में खमीर, पाव रोटी या केक में खमीर, खमीर उठाने के काम आता है, खमीर उठाने के काम आता है। बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, ठीक है। पाव रोटी या केक में खमीर उठाने के काम आता है, ठीक है। जो आप लोग ये गोलगप्पे भी देखते हो, गोलगप्पे बहुत बड़े फूल जाते हैं, इसमें भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग ये मार्केट में ये गोलगप्पे देखते हैं, ठीक है, सभी गोलगप्पे खाते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो फूल कैसे जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो फूल कैसे जाता है? वो आसानी से फूल जाए इसलिए उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा की मात्रा डाली जाती है। बेकिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो हीट होकर क्या वो उत्पन्न करता है, CO2 गैस, और जैसे CO2 गैस वो बाहर निकलती है तो उस गोलगप्पे को फुला देती है। इतना गौर से सुना, वो गोलगप्पे को फुला देती है, तो ये प्रक्रिया हमारी गोलगप्पे की फूलने की, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से, केक में जो खमीर आता है वो भी बेकिंग सोडा की वजह से आता है, और क्या है, और मैंने आपको ये बताया जो हमारी पाव रोटी है वो भी सब क्या है, बेकिंग सोडा ही काम करता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलिए अब इसका उपयोग करते हैं हम एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में, ठीक है। जब कभी हमारे पेट में, ध्यान सुनना, जब हमारे कभी पेट में एसिडिक हो जाती है या दर्द होने लगता है, तो हम लोग अगर हम लोग थोड़ी सी बेकिंग सोडा की मात्रा खा लें तो वो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोग इसका उपयोग किसमें करते हैं, एंटा एसिड के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अब तीसरा तो नहीं है, फोर्थ वाला देखो, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अग्निशामक क्या, फायर ब्रिगेड, जो हमारी फायर ब्रिगेड होती है, आग बुझाने वाली मशीन होती है, सुनना गौर से सुनना, जो हमारी आग बुझाने वाली मशीन होती है उसमें भी इस बेकिंग सोडा का रोल होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा हमारे लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये उपयोगकारी है, बेकिंग सोडा कितना उपयोगकारी, इसको हम खा भी सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाएंगे और क्या, पाव रोटी, खमीर और गोलगप्पे बनाने में ये काम आता है, एंटा एसिड के रूप में या यूज करते हैं, और ये अग्निशामक के रूप यानी कि फायर ब्रिगेड के रूप में भी इसको हम यूज लेते हैं। तो ये था हमारा पूरी जानकारी एक बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, हालांकि तुम्हारे 10th क्लास में इतना डीप नॉलेज नहीं दे रखी है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ। तो कल चलेगा हमारा धवन सोडा, कल क्या चलेगा, धवन सोडा, फिर POP, फिर तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, तो ठीक है। और हाँ सुनो, अभी तक किसी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ID नहीं ज्वाइन किया तो आप फटाफट जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में है और लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और संडे को मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक बनसोड साइंस का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस बनसोड में कोई भी जुड़ना नहीं भूलेगा, ठीक है। संडे को शाम 6 बजे आएगा आपके लिए, और उसमें खास बात तो ये होगी कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाऊंगा वहां पर सारा नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उस नोट्स को आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो यानी कि आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स सब तो यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
यदि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लें उसको, आप मैसेज कर दें मेरे पास कि प्लीज गिव मी नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, कोई भी सिंगल रूपी पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, खूब पढ़िए। जय हिंद जय भारत।